नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज़। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मुंबई पुलिस को गैंगस्टर सुरेश पुजारी की कस्टडी मिल गई है। कोर्ट ने 29 जनवरी तक की कस्टडी मुंबई पुलिस को दी है। सुरेश पुजारी को आज यानी शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि सुरेश पुजारी को जब भारत लाया गया था तब उसकी कस्टडी महाराष्ट्र ATS को मिली थी। सुरेश पुजारी फिलीपींस में छुपा हुआ था, वहीं से वो मुंबई के व्यापारी और दूसरे मशहूर लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए फोन किया करता था। हाल ही में अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की संयुक्त कार्रवाई में सुरेश पुजारी को फिलीपींस से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारतीय एजेंसियां उसे देश वापस लाने में कामयाब रही। सुरेश पुजारी पर मुंबई में 25 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच महाराष्ट्र ATS कर रही थी। कुछ साल पहले सुरेश पुजारी मुंबई, थाने, कल्याण, उल्हासनगर, डोंबिवली और कर्नाटक जैसे शहरों में लोगों से वसूली की गतिविधियों को अंजाम देता था। इसके अलावा वो लोगों को धमकी भरे कॉल भी करता था। फिलीपींस में उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बिजनेसमैन, होटल मालिक, शराब विक्रेता और केबल ऑपरेटर्स ने चैन की सांस ली थी। करीब 48 साल के सुरेश पुजारी साल 2007 से भारत से बाहर था। मुंबई पुलिस को साल 2020 में जानकारी मिली थी कि वो फिलहाल फिलीपींस में छिपा बैठा है। सूत्रों के मुताबिक सुरेश पुजारी फिलीपींस के काफी हाई प्रोफाइल इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और वो कभी कभार घर से बाहर निकलता था। ये थी आज की खास खबर। इस तरह खबरें जुड़े रहने के लिए बने रहे चैनल के साथ।